नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के नए स्मार्टफोन वन प्लस 7T के बारे में। 7T के बारे में। ये आता है मैट फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश के साथ और मतलब काफी ज्यादा इसमें बदलाव कर दिए गए डिजाइन में पहले के मुकाबले। ये फ्रॉस्टेड सिल्वर और ग्लेशियर ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा। और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे पावर बटन और प्रायोरिटी अलर्ट स्लाइडर है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम लॉकर है, टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है और बॉटम पे पहले की तरह ही टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन है। बाकी स्मार्टफोन वे करता है 190 ग्राम्स, 8.13 mm। इसका जो थिननेस है वो है, तो थिननेस ही बोलूंगा क्योंकि काफी हद तक मुझे थिन लगा। ये 8GB LPDDR4X रैम के साथ आता है, 128GB स्टोरेज के साथ आता है, 256GB का भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर सेंसर्स वो सारे मौजूद है जो कि बढ़िया स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें जो टाइप सी पोर्ट है वो टाइप सी ईयरफोन्स को तो सपोर्ट करता ही करता है, और USB 3.1 Gen 1 वाला पोर्ट है। इसमें डुअल नैनो सिम स्लॉट है और माइक्रो SD कार्ड एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं है। ये डुअल नैनो सिम स्लॉट के साथ आता है और इसके अलावा इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट दे रखा है। और आइए करते हैं एक छोटा सा साउंड चेक। इसमें 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रखी है। और सबसे बड़ा इसमें डिजाइन चेंज ये है कि बैक पे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, जो देखने में थोड़ा अलग सा ही लगता है। थोड़ा सा अलग सा डिजाइन है। कई लोगों को ये पसंद आएगा, कई लोगों को ये भद्दा लगेगा, मुझे पर्टिकुलरली उतना कोई बेकार नहीं लगा क्योंकि मैं अब तक ऑलरेडी इतने ज्यादा अजीब अजीब से कैमरा मॉड्यूल्स देख चुका हूँ कि मुझे सब कुछ बढ़िया लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये मुझे भी काफी तक सही लगा। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको जो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है उसमें आपको मिलता है टेलीफोटो लेंस 12 MP का, मेन लेंस है 48 MP का f1.6 अपर्चर वाला, और एक अल्ट्रा वाइड लेंस है 16 MP का। और उसके अलावा आपको LED फ्लैश मिलता है उसी मॉड्यूल के अंदर ही। अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो आता है 16 MP के सोनी IMX471 सेंसर के साथ। और ये जो सेंसर है इसका पिक्सल साइज 1.0 μm है, EIS सपोर्ट है इसमें, 1080p वीडियो ये रिकॉर्ड कर सकता है और HDR वगैरह जैसे फीचर्स भी इसमें दे रखे हैं। बैक कैमरा में 4K 60fps तक की वीडियोस आप आराम से ले सकते हैं और सुपर स्लो मोशन वीडियोस 1080p 240fps तक ले सकते हैं और 720p 960fps तक भी आप उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें रॉ इमेज भी आप इसके कैमरा से निकाल सकते हैं। तो वो छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने डिटेल्स में फोकस किया हुआ है। और आइए अब सामने आते स्क्रीन की तरफ। तो वन प्लस 7T के अंदर सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये है कि वन प्लस 7 Pro के अंदर जो उन्होंने फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दी थी सबसे पहली बार 90Hz वाली, वही डिस्प्ले अब इसमें भी उपलब्ध है। और इसमें जो वाटर ड्रॉप नॉच है टॉप पे उसका जो साइज है उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया काफी हद तक, तो वो एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। बिकॉज अगर आप डे टू डे यूसेज में 90Hz वाले डिस्प्ले में अगर शिफ्ट कर जाएंगे तो आपको 60Hz वाले डिस्प्ले मजा नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। इस डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस जो 1000 nits तक जाती है जो कि इसको बहुत ही जबरदस्त बनाती है कॉन्टेंट देखने के लिए। और इसके अंदर रीडिंग मोड वगैरह भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, तो इसमें से ब्लू लाइट को बहुत तेजी से कट कर देता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा टाइम तक अपने स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं तो आपकी आंखें बची रहेंगी। ये DCI-P3 कलर गैमट को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, HDR10 सपोर्टिंग डिस्प्ले है। और मतलब डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली ऐसा लगता है इस बार की 7T जो है उसमें वो सब कुछ आ गया जो कि OnePlus 7 Pro में हमने कुछ ही महीनों पहले देखा था। अगर हम बात करूं परफॉर्मेंस की तो OnePlus 7T जो है आता है Snapdragon 855 Plus के साथ। Snapdragon 855 Plus 855 के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत इन्होंने क्लॉक स्पीड इंप्रूवमेंट्स करे हैं और थोड़ा बहुत GPU परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, तो वो चीज़ें आपको नॉर्मल डे टू डे गेमिंग में थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा, बेंचमार्क स्कोर्स में नजर आ जाएगा। जो इंटरनल स्टोरेज है वो UFS 3.0 डबल लेन वाली स्टोरेज है इस बार, और उसकी वजह से जो टोटल ओवरऑल रीड राइट स्पीड में इंप्रूवमेंट्स आई है वो देखने को मिलती है। और भी अन्य चीजों के बारे में बात करें तो वाइडबैंड 11 का सपोर्ट है ही, बिकॉज HDR10 प्लस डिस्प्ले का मजा भी तो उठाना है। ठीक है, हम इस पर दबा दब चलाया जा सकता है। जिससे 48MP का सेंसर है और सोनी IMX586 है जो हम पहले देख चुके, बट जो इंप्रूवमेंट आई है वो अपर्चर में आई क्योंकि इस बार अपर्चर f1.6 है, तो वो ज्यादा लाइट को अंदर आने देगा और आप डार्कनेस में या कुछ अन्य सिचुएशन पर ज्यादा बढ़िया फोटोज और वीडियोज ले पाएंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। इसके अंदर इन्होंने एक नया चेंज किया वो दिया है, इन्होंने एक मैक्रो मोड दे दिया है, तो आप बस 2.5 cm दूर से भी एक बहुत ज्यादा डिटेल वाली फोटो ले सकते हैं छोटी चीजों की, जिनको कि नॉर्मली आंखों से देखना बहुत मुश्किल होगा। जिनका नाइटस्केप मोड है उसको भी उन्होंने काफी हद तक बढ़िया करा है ताकि आपको रात के टाइम पे भी ज्यादा डायनामिक रेंज वाली फोटोज मिले। और अगर मैं वीडियोज की बात करूं तो इस बार OnePlus ने
EIS और OIS को कंबाइन करके कुछ नया बनाया जिसको उन्होंने बोला हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन। तो उससे जो आप वीडियोस ले रहे होंगे पहले के मुकाबले ज्यादा स्मूदर आ रही होंगी। जो स्क्रीन अनलॉक एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक फास्ट हो चुका है बिकॉज जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पहले से काफी हद तक इंप्रूव कर दिया गया है। बिल्डर डिजाइन की और अगर बात की जाए, हैप्टिक फीडबैक की बात की जाए तो वो पहले से इंप्रूव हो गए। डेडिकेटेड मोटर्स प्रॉपर इस बार अच्छे वाले लगाए गए ताकि हैप्टिक फीडबैक इंप्रूव हो, टाइप करते जो हल्का हल्का वाइब्रेट होता है वो स्मार्टफोन वो फीलिंग इंप्रूव हो, नेचुरल यूज करने की उसको फीलिंग इंप्रूव हो। बाकी स्मार्टफोन को अगर आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो रॉक जरूर करेगा बिकॉज ऑफ जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप की वजह से थोड़ा सा बम्प आ गया है वो। वैसे स्मार्टफोन काफी पतला दुबला सा है बट वो बम्प थोड़ा सा नोटिसेबल है। अगर बात की जाए कि OnePlus ने और क्या क्या इंप्रूव करा है तो वार्प चार्ज 30T आया इस बार। वार्प चार्ज 30 पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। वार्प चार्ज 30T में क्या है कि वही जो चार्जिंग पहले हो रही थी वो उसको उन्होंने और रैंप अप कर दिया और तेजी से होता है। और अगर इंप्रूवमेंट्स की बात की जाए तो कुछ इंप्रूवमेंट्स तो ऐसी है जो कि सामने सामने अभी हम OnePlus 7 और 7 Pro में भी देख चुके हैं, वो है Android 10 का अपडेट जो कि उनमें आ चुका है। पूरी तरीके से डार्क मोड का सपोर्ट, एडवांस जेस्चर्स का सपोर्ट और भी कई सारी अन्य चीजों का सपोर्ट आ चुका है। फाइनली अगर सब कुछ ध्यान में देखते हुए बात की जाए प्राइसिंग की तो इस बार जो OnePlus 7T है वो 35,000 से 40,000 के बीच में आएगा। OnePlus 7T जो है इस प्राइस पॉइंट पे आएगा और ये बहुत ही सही अपग्रेड है OnePlus 7 के लिए। तो दोस्तों वैसे OnePlus 7T कोई बुरा फोन नहीं है, काफी हद तक बढ़िया फोन है, बट अगर आप एक जस्ट रीसेंट वाले OnePlus 7 बायर हैं तो आपके दिल में बहुत दर्द हो रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर्ड न्यूज सब्सक्राइब करें, नीचे एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।